मेहरबानी शुक्रिया। पिंड पत्रेवाला ते आले दुआले दे पिंडा तो भावे हो विधानसभा हलका लंबी भावे विधानसभा हलका फाजिलका विधानसभा हलका जलालाबाद विधानसभा हलका अबोर अज तुसी इत्थे इन्नी भारी गिणती दे विच मान सन्मान देण लई सानू पहुंचे हो साडा हौसला वधाउण लई पहुंचे हो तुहाडा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहला मेरे वल्लों सारयां नू सति श्री अकाल नमस्कार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह MLA साहब ने गोल्डी जी ने बोलदिआं दस्सिआ इलाका मेरे लिए नवा नहीं हैगा। मैं बहुत देर पहला तो जदों मैं हजे सोचा भी नहीं सी कि कुदरत जिहड़ी है वह एडा वड्डा मोड़ लेके आऊगी मेरी जिंदगी च कि मैं राजनीति च आऊँगा। मैं उस तो भी पहला इन्हां पिंडां च आउंदा रहा मैं फाजिलका दे पिंडां च। पीण वाले पानी की बहुत वड्डी समस्या है। आपां नूं लगदा है कि शायद पानी नित्रया होया ठीक है पर जदों उस पानी नूं टैस्ट कराउने आ लैब दे विच तां उहदे विचों जो हैवी मैटल्स जो उहदे विच भारी मात्रा दे विच जिहड़े रसायनिक तत् पाए जांदे ने वो आपां नूं पता भी नहीं हैगा कि आपां नूं किहड़ियां किहड़ियां बीमारियां जिहड़ियां उहदे दिंदे आ। हैपेटाइटिस सी बच्चे हैंडीकैप्ट पैदा हो रहे ने उस इलाके च। तां मैं खास तौर पर जाके आया कई बार जाके आया तेजा रहेला वगैरह झंगड़ पैनी महात्म नगर रेते वाली ढाणी और बच्चिया साडिया बेटिया दूजी तीजी क्लास च पढ़दियां साडिया बच्चिया सिर दे वाल काले करके स्कूल जांदियां ने क्योंकि पानी ने बाल सफेद करते। मैं गल जदों मैं पार्लीमेंट चुने गया मैं उदों भी बोली सी कि साडे सूबे दे नाम पानिया ते है ते साडे कोले ना धरती वाला पानी बचिया ना दरियावां वाला बचिया ना पीण वाला बचिया ना खेतां नूं लाउण वाला बचिया। साडा सूबा तां ना जिहड़ा नाम दे ही पानिया ते रह गया साडा सूबा। सो आपां इह सारा बचाउणा है हुण जिम्मेवारी कुदरत ने आपां नूं दित्ती है क्योंकि परमात्मा जिहड़ा उह लोकां च ही वसदा है। मैनूं तां लोकां च ही रब दिसदा है। एडा वड्डा फतवा तुसीं देता एडी वड्डी ड्यूटी लाती साडी कि हुण तुसीं पंजाब नूं ठीक करो। ताणी बहुत उलझी हुई है जे आपां अपने बूट दे फीते दी गंढ दे दिए चार दिन उहनूं ना खोलीए आपां नूं उह च चमचा पा के चमचे दी डंडी जां चाकू पा के खोलना पैंदा उह फीता जिहड़ा चार दिन पहलां जिहनूं गंढ दित्ती है। ते मैनूं तुसीं 70 साल पुरानियां गंढां फड़ातियां खोली तां मैं जाना रोज़ गंढां खुल रहियां ने थोड़ा जिहा टाइम लगी जांदा पर गंढां खुल रहियां ने। तुसी वोटां पाईयां जिताया 92 वड्डे वड्डे तनाडा नूं तुसी घरे बिठाता। मैं सोचदा हुन्ना कि जदों असीं वोटां मंगण जांदे आ उदों रोड शो भी करदे आ गलियां विच दी रैली भी करदे आ पिंड च डोर टू डोर कुंडे खड़का के भी घरां जांदे आ ढाणी होवे कोई उत्थे भी जांदे आ। ख्याल रखियो जी ऐतकी ख्याल रखियो जी।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਇਓ ਬਈ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਸਰ ਆਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੋ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 4-5-10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੋ ਜੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਠੇ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬੂਠਾ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਣਕ ਦਾਲ ਆਟਾ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਈ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ
इंडस्ट्री आ रही है। असी दो दिन का इंडस्ट्री का समिट किया, बहुत बड़े बड़े टाटा स्टील वर्गे प्लांट आ रहे हैं, वो काम मिलेगा जी, साढ़े पिंडां दे मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलेगा। वो सवेरे आउणगे फैक्ट्री च काम कर, शाम नूं आपदे घरे जाके रोटी खाणगे। सानूं बाहर कनेडा अमरीका वास्ते 40-40 लाख रुपया चक्कण दी लोड़ नहीं पैणी। इन्ना सोहना मुल्क है, इन्नी सोहनी धरती है, इन्ना सोहना मौसम है, दरिया सानूं दित्ते, मेहनती कौम है साडी, गुरुआं दा आशीर्वाद है साडे कोले, ते फिर भी असीं बाहर नूं भज्जीए, ये साडे लई नहीं, ये सारयां लई शर्म दी गल है कि पिछलियां सरकारां ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिता। उन्हां दा काम सिर्फ ये सी किवें आपां इन्हां नूं पाड़ के वोटां लईए, किवें आपां इन्हां नूं लड़ा के वोटां लईए। सो आऊगा सामने, मैं तुहानूं पहलां कहिंदा रहा, मेरे 32 दंद ने, मेरियां गल्लां बहुत सच्चियां हो जांदियां ने। मैं कहा सी, मैं कहा बादल साहब मैं तुहाडी लंबी उम्र दी अरदास करदा, दुनिया तो जाण तो पहलां, जाणा तो हरेक नहीं है, दुनिया तो जाण तो पहलां तुसीं पुत्तर मोह जो आपदे अकाली दल दा हाल कीता आपदी अखीं देख के जायो जी। आ खड़े है जी, आ खड़े है जी, जिन्हां ने उन्हां नूं धरती दिखाई है कि आ थले जी। तो उधरों हंकारिया होया सी सुखबीर बादल, वह कहना सी राज करांगे 25 साल, जनाब जी सीटें ही 2 आईयां ने, उन्हूं हराउण वाला आ खड़ा जी। लोक ने जी, पब्लिक है, लोगों तो वड्डा कोई नहीं हो सकता, साडी कोई औकात नहीं कि असीं एडे एडिया नूं हरा दीए। असीं तां आम घरां दे मुंडे हैं जी, पर जदों लोग इकट्ठे हो जाण कि थोड़े तो असीं दुखी आ गए यार, बस करो हुण इह जुलम दी इंतहा हो गई, साडे सबर दा ना लो इम्तिहान, फिर इस तरह के रिजल्ट आउंदे हुंदे ने। गुरु साहब की बेअदबी भी कराई इन्होंने, गलियां च साडी बाणी रोली, सरबत दा भला मंगण वाली बाणी रोली, और मैं कहिंदा हुंदा सी कि कोई गल नहीं, इत्थे देर है, नेर नहीं हैगा, जे किते कोई फैसले लैण वाला पेन साडे हत्थ च आ गया तां जे गुरु दा इंसाफ असी पंजाब च ही ना दवा सके, साडे आपदे घरे साडे बाप दा इंसाफ ना दवा सके, फिर कादियां सरकारां। ते कल जिहड़ा चलान पेश कीता है, हुण सुखबीर बादल दी इंटरव्यू करो, हक जी पैण लग गई उहनूं, क्योंकि सच नहीं हैगा ना, सच नहीं बोल रहा ना वो, इस करके उन्हूं हुण सच पता लग गया वी आ होगा। पहलां सोचा सी कोई नहीं कौन आऊगा, वो आउणगे अपने ही ने, फिर आपां आ जाएंगे, आपां तां है ही अपने ही आ, ऐं सोचा सी, इहनूं पता नहीं सी कोई तीजा वी आ सकदा। सो इन्हां ने जो लुट मचाई सी उहदा हिसाब लिया जाऊगा, हर रोज़ लिया जाऊगा। खुडिया साहब खड़े ने, फाजिलका तो थोड़े अपने MLA साहब खड़े ने, थोड़े MLA साहब खड़े ने, साडे जलालाबाद MLA अबोर तो साडे टीम दीप कंबोज हो रही, साडी सारे जिले के प्रधान साहब, आम आदमी पार्टी के सारे वर्कर साहबान। सो ये जेडे काम ने ना, ये जे नीयत साफ होवे तां हुंदे है। मैं कई कई बारी अफसरां नूं पुछ लैना कि इदू पहलां कैप्टन साहब किन्नी क वारी पंजाब दे गेड़े मारदे सी। कोई अफसर कहिंदा जी मैं कपूरथले 3 साल DC रहा, मैं किन्नी वारी आए सी, कहिंदे एक वारी वीर तंग कीता सन, तां उह नहीं निकलदे सी घरों बाहर, इहो जी जगह ते आउणा तां लै, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹਟਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਰੇਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੂੜ ਜੰਮ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਲੋਕ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦੇ ਅਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਬਾਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 122 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 15 ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ।
गंग कनाल तो पानी लैके पत्रे वाला विखे आजड़ा थे लग रहा 68 MLD द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिहड़ा बन जूगा 440 किलोमीटर पाइपां दा जाल बिछा के 122 पिंडां ते 15 ढाणियां च लगभग 80,000 घरां च बसदे 4.5 लाख लोगों नूं पानी दा पीण वाला पानी मिलूगा। और ये काम जिहड़ा LNT लिमिटेड कंपनी है 398.77 करोड़ यानी कि 400 करोड़ के नेड़े हो गया रुपया अलाट करता उन्होंने, तो 285 करोड़ वह रख रखाव वास्ते, तो 10 साल वास्ते यदि देख रेख तो मेंटेनेंस 112.89 करोड़ रुपया तो रखते वो भी बिच ही करता 10 साल उन्होंने जिम्मेवारी है। जो कोई पानी लीक होता कि पाइप बंद होंगी है सारा उन्होंने जिम्मेवारी। वैसे तो इस काम उन्होंने कहा कि असी 24 सितंबर कर देंगे, पर मैं अफसरों को कहा कि थोड़े जा दिन रात एक कर लो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ओवर टाइम ला लिया करा, जिन्ना छेती तो छेती हो सकता उन्ना ही अपना पुन ज्यादा लगू लोगों का, क्योंकि गुरु साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत्, सो पानी धरती है, धरती भी बचेगी, हवा भी पोल्यूशन तो बचेगी, तो पानी जो मिल जाए तो मैं अफसरों को कह के जिन्ना छेती हो सकता है उन्ना इस प्रोजेक्ट नूं छेती शुरू करो। फिर इस तो बाद 2-3 होर प्रोजेक्ट ने जलालाबाद के गुरु हर साहिब के उत्थे भी लावांगे, क्योंकि पंजाब जिहड़ा है वो मोहरी सूबा है खेती च, खेती दे भी बहुत सारे जिहड़े नवें नवें तजर्बे जिहड़े ने उह असीं कर रहे हां यूनिवर्सिटियां नाल मिल के ते विदेशी कंपनियां नाल मिल के। असी 12 फरवरी नूं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाणा च पहली सरकार किसान मिलनी कीती, शायद थोड़े चो भी कोई आया होवे उत्थे, सरकार ते किसान मिलनी 15,000 किसान आ गए साढ़े छोटे जे सद्दे ते। असी कोई ऐ रैली नहीं कीती, असी उन्हां दे स्टॉल लाते कि बासमती वाले इधर आ जाओ, नरमे वाले इधर आ जाओ, कपाह वाले इधर आ जाओ, किन्नुआ वाले इधर आ जाओ, बागां वाले इधर आ जाओ, गन्ने वाले इधर आ जाओ, सारे नाल एक्सपर्ट बिठाते हरेक स्टॉल ते मैं गया। जिवें ब्याह च जिहड़े घर दे हुंदे ने ओह हरेक टेबल ते जाके पुछदे नहीं परौणे नूं भाई ठीक ठाक खाणा खूणा ठीक मिल रहा ठीक चल रहा। मैं उन्हां कोले गया, लोकां नूं पुछिया सी कि किन्नी तरीक नूं तुहानूं नहर च पानी चाहीदा ते किन्नी तरीक नूं नहर च बंदी चाहीदी है, किन्नी तरीक नूं तुहानूं सवेर दे 5 बजे बिजली चाहीदी है, जे पट्ठियां वास्ते छड्डणी है सवेर दे 5 बजे तो 7 बजे तक छड्ड दो, बंदा चाह चो पी के अमृत वेले वाहिगुरू का नाम जप के खेत जाऊगा, मोटर दा सुच दबूगा 5 तो 7 अपने चारे नूं जां अपने खेतों नूं पानी लाऊ, 12:30 बजे लाइट छड्ड दिंदे बिजली वाले, ना पहलां सौ सकदे आ ना बाद च सौ सकदे। सो असी लोकां तों पुछिआ ते फाजिलका बोर तलवंडी बठिंडा मुकसर मलोट अरनी वाला पन्नी वाला, इस तों इलावा लंबी हल्के दे पिंड जिहड़े नरमा खास तौर पर कपाह वाले, वह कहिंदे जी 1 अप्रैल नूं पहले पानी वास्ते सानूं नहरां दा पानी आ जाए नरमे वास्ते, ते पहले 3 पानी साडे नहरां नाल टाइम ते लग जाण, फिर चाहे चिट्टी मक्खी आ जाए जिहड़ी मर्जी आ जाए साडा बूटा इन्ना स्ट्रोंग तकड़ा हो जांदा वी उहनूं नुकसान नहीं कर सकदा। और मैं अज इत्थे तुहाडे कोले ऐलान कर रहा कि तुहानूं इह नहरां दे विच 1 अप्रैल नूं नरमे वास्ते पानी मिलूगा जी। बोले सोनेहा नहरी विभाग नाल गल हो गई, 28-29 मार्च नूं असीं छड्ड दांगे पानी उत्थों, 2-3 दिनां दे विच पानी 1 अप्रैल नूं तुहाडे कोले पहुँच जूगा। ते जिहड़े क्योंकि मैं भी खेती वाला ही हाँ मैनूं पता है जिहड़े रस्ते च मोगे ने, मोगा 10 इंच दा है बना रख्या 27 इंच दा डूंगा कर रख्या, उन्हां मोगियां ते असीं पुलिस की ड्यूटी लाई है पानी चोरी नहीं होण देवांगे,
जेड़े पिंड नू जेड़े मोगे नू जिन्ना पानी अलाउ किया गया उन्ना ही पानी होगा क्योंकि वह रस्ते च ही कढ़ लैंदे अपने तक पहुँचता नहीं। सो मैं टेल टेल लफज भी तुम कहो इस तरह टेल ते हाँ जी ये टेल लफज मैं मिटाना चाहना। पता की है तुम टेल ते नहीं है जो फौज की परेड होंगी है फ्लैग मार्च होंगे जो सब तो मूहरे लग्या होंगे फौजी सलूट करके तुरता है तो लोग कहते हैं जो दर्शक होंगे भी ये सब तो वधिया होना इन्हों का ता सब तो मूहरे लाया है जो सब तो मगर होंगे वो तो तरस कर लग जाते हैं बेचारा हम टाइम जहाँ पूरा कर लाया है भी चल बंदे पूरे हो जाएंगे सब तो मगर है पर उदों ही पता लगता है जो उनका कमांडर कहता पीछे मुड़ेंगे पीछे मुड़ सारे घूम जाते सब तो मूहरे हो जाता वो जिन्होंने सब तो मगर सोचते होंगे ये थोड़ा इलाका तुम मगरले पासे ना गिणो जे इधरले पासे आईए तो पंजाब का पहला इलाका भी है सब तो मूहरे भी है इतों फिर जे इतों सोचिए चंडीगढ़ टेल है मैं पीछे मुड़ नहीं कहता मैं तो मैं कहना आगे ही चल बस। सो तरक्या करो फसल वधिया होन हड़ा तो आ जड़िया बेमौसमी बरसातों तो बचिए असी अपनी नहर ही इन्ना सुधार लिए कि पानी जड़ा जिमें मिडे पिंड आया सी मैं पिछली बार किमें ढाब बनी पई सी कई पिंड की पानी दो नहर च ही खड़ा है लोग आप दिया मेहनत कर रहे हैं आप बोरिया भर रहे हैं आप गट्टे भर रहे हैं एक घाट का दी है एक घाट हैगी है प्लैनिंग की। मैं अफसर कहा इरीगेशन वाले नू मैं क्या भी अपने को मिलने अपन घट्टो घट डेढ़ तो दो महीने अप्रैल भी तक अपनी कणक खत्म हो जाती है भी अप्रैल तो मई तो जून 15 जून तो 20 जून के झोलना शुरू होंगे दो महीनों के तुहाडे कोल टाइम हैगा नहरां चों गारा कढ के तुसी किनारे तकड़े करो बारले पास्यों JCB चला के मिट्टी लैके किनारे तकड़े कर दो ये उदों आउंदे ने सरकारां उदों आउंदियां ने जो झोना लग जांदा उदों JCB नहीं चलदी सारे पासे झोना लग्या हुंदा जिन्ने पैसे हड़ां दे विच नुकसान वास्ते मुआवजे दे अनाउंस करते ने चलो असी तां दिंदे आ इह दा अनाउंस ही करदे सी अनाउंस करदे तो अद्धे पैसे किते उस नहर की सफाई ते ला देण तो मुआवजा देने ना पवे जी नाले फसल वधिया हो जाए सारे। सो ये स्कीम ने आने वाले दिन च मैं थोनू दस्या कि हौली हौली तुहाडे तक पहुँचणगियां बहुत सारिया होर स्कीम ने लोक पक्षी स्कीम ने बस कोई भी यह जी फैल मैं साइन नहीं करता जिद ना लोगों का नुकसान होंदा होवे मैं क्या भी नहीं और इन्हां दी कोई भी यह जी फैल नहीं हैगी पुरानी जिद ना लोगों को फायदा होंदा होवे जदों देखते हैं आ भी बेच दो आ भी बेच दो आनू बेच दो यार की रह गया यार तुसी लोगों को बेच गए यार कित्थे चले गए फिर कित्थे चले गए लै गए नाल लैके गए ने जब धर्मराज नाल गल होई है कि थोड़े वाले नाल आ जाएंगे ना किसी की बस छड़ी ना किसी का ढाबा छड़िया समोसिया दी रेहड़ियां भी हिस्से पा ले सियाने कहिंदे आ ढिड दा भुखा रज जांदा नीत दा भुखा नहीं रजदा नीतां दे भुखे आ इह नीतां दे। सो इस करके अज तां थोड़े वर्गे ही हाँ उन्हां घरां चों आम घरां चों निकले हुए हाँ पत्तण इक्को ही अपनी रिश्तेदारियां ने एक दूजे नाल भाईचारक सांझ नाल रहने आ। सो इस गल ते मैनूं माण है कि पंजाब जिहड़ा वो अमन शांति बना के रखता है और साडे च आपस च कोई बैर विरोध नहीं असी एक दूजे दे तिथां त्यौहारां च जाने आ असी एक दूजे दे दुखां सुखां च जाने आ। सो इस करके मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि सरकार वालों कोई कमी नहीं रहेगी ना ही कोई खजाने च कमी है ये तो नीतां नूं मरादां होंदियां ने
जे हुण कई जणे खजाना खाली है खजाना खाली है फिर भाई तुसीं एडी एडी स्कीमां क्यों अनाउंस कीतियां जे तुहानूं पता खजाना खाली है। कोई खजाना खाली नहीं हुंदा जी, ये नीयत दा खोट हुंदा है। सच्ची नीयत होवे सारे खजाने परमात्मा भर दिंदा है। और पंजाब तां धरती हुई है जी जिथे बरकत ही बरकत है, घाटा तां पैणी नहीं दिंदे किसे नूं। चाहे वह तुर्की दे विच भुचाल आया होवे सीरिया च, चाहे रशिया ते यूक्रेन की जंग लगी होवे, होर कुछ नज़र आवे ना आवे, पंजाबियों का लंगर जरूर उत्थे नज़र आ जाता है। क्योंकि गुरु नानक साहब ने एक बार 20 रुपये का लंगर चलाया सी, वो 20 रुपये रहिंदी दुनिया तक मुकने नहीं जी, उस तो हजे 54 भी नहीं खर्ची असी, वो 20 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है जी। सो इस करके आपां रब की रजा च लैण वाले लोक हाँ, कोई छल कपट नहीं, कोई दिल दे विच गल होर जबान ते होर ये सानू आउंदा नहीं। अभी तो जो गल साडे जुबान ते उही गल साडे दिल च है, जो दिल च है उही जुबान ते है। सो जिहड़े पहलां ये सोचते रहे कि सानू कोई हरा ही नहीं सकता, अभी तो हुण किंग बन गए, लोगों तो असीं ऐ चुटकी चाई ऐ कमा लैने, उन्हां सारयां नूं घर बैठिया नूं साल होने वाला हूँ 16 मार्च नूं, ते बाहर तो निकल जोगे छड़े नहीं, किहड़े मूँह ना निकलणगे, पर बाहर भावें ना निकलन अंदर जरूर होणगे दिखदे जाओ तुसीं। क्योंकि साडे कोल जिहड़े किस्से आउंदे आ रोज़, असीं थोड़ा जिहा पक्के पैरीं हाथ पाउने आ, असीं ऐवें नहीं हफड़ा दफड़ी च भी लड़ना, कोई बदलाखोरी की भावना नहीं। पहला लियाओ जी ने नुकसान किन्ना किया पंजाब का, कागज़ कट्ठे करके फिर कहने हाँ जी हुण टाइम है, तो बुला लो तो जिथे जगह बनती है उत्थे भेज दो, चाहे वह कि मर्जी पार्टी का, भावें साडा भी है, अभी साडे वाले भी नहीं कोई तरस करते, क्योंकि तुसीं सानूं वोटां पाईआं ने, तो तुसीं कहोगे जी थोड़े वाले आपदे, फिर झाड़ू का काम है सफाई करना, बाहरों तो करनी करनी है, जे घरें थोड़ा बहुत गंद है सफाई घर की भी करता झाड़ू। सो इस करके क्योंकि तुसी 92 3 करोड़ लोग, पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने वोटा पा के साड़ी ड्यूटी लाई है, कोई कमी साडे च रहिंदी होवे असीं भी बंदे हाँ, कोई गलती हो गई होवे सानूं फड़ के रोक लिया करो, बांह फड़ के रोक लिया करो, MLA थोड़े बिच ही रहिंदे ने भाई आ चाहिए आ कमी है आ नहीं चाहिए, क्योंकि जिथे समस्या उत्थे हल है, हल भी थोड़े कोल ही है फिर। सो मैं सारे इलाके का इस गलों मामा भैणा बहुत आई हैं, मैं एक बार जोरदार ताड़ियाँ मामा भैणा लई मार, और मैं बहुत वधिया लग रहा क्योंकि नारी शक्ति बहुत वड्डी शक्ति है। आया करो तुसी आया करो, तुसी आके सुनिया करो कि की चल रहा है, क्योंकि चूल्हा तो तुसी चलाउणा है ना, थोनू पता किन्नी महंगाई है, थोनू पता चूल्हे वालियां सारियां चीज़ां कित्थों खरीदनियां पैंदियां ने, किवें ढिड बन के गुजारे करने पै रहे ने, तुसी जरूर आया करो। जे थोड़े बिना घर नहीं चल सकते तो थोड़े बिना मुल्क भी नहीं चल सकते। और मैनू इस गल की भी खुशी है, थोड़े SSP अवनीत कौर सिद्धू, ये भी महिला, थोड़े DC मिसिज दुग्गल वो भी महिला, और पंजाब की हिस्ट्री च पहली बार होया 5 कुड़ियां SSP ने, 7 कुड़ियां DC ने, जिंदाबाद। सो असी 12 कुड़ियां नूं टिकटां दित्तियां विधानसभा च, किसे पार्टी ने इन्नियां टिकटां दित्तियां, कोई 2 कोई 3 इत्थी ने, 12 नूं टिकटां दित्तियां, 12 दी 12 जित गईआं जी। सो किसे कोलों घट नहीं हैगे, बस थोड़ा जिहा मौका चाहीदा है, पढ़ावांगे साडियां बच्चियां नूं, पढ़ावांगे उन्हां नूं, साइंटिस्ट बनावांगे उन्हां नूं, डॉक्टर बनावांगे,
बहुत टैलेंट है पर मौका नहीं मिलता। सो आने वाले दिन स्कूल खोलेंगे, आम आदमी क्लीनिक खोलेंगे, इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। मानयोग अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम आदमी पार्टी बना के यह सुपना लिया सी कि इलाज बिल्कुल फ्री तो वर्ल्ड क्लास का, पढ़ाई बिल्कुल फ्री तो वर्ल्ड क्लास की, उन्होंने दिल्ली के लागू की, पंजाब गरंटियां लिया उन्होंने, तो अज आप गरंटियां पूरी कर रहे हैं। कई काम तो बिना गरंटियां तो भी करते, एम एल ए पेंशन कटाने की कहना गल हुई सी अपनी चकती, मैं क्या एक मिलू जो लैनी है लो नहीं ना सी, वो कहते सानू सत सत बारी पेंशन दो, छे छे सत सत पेंशन, क्यों बई नाले कहने सेवा करनी है, राज नहीं सेवा, सेवा की पेंशन होती है। अंदर साइन होर करते रहे, बाहर आके कुछ होर दसते रहे, धोखा होंदा रहा अपने नाल, होंदा रहा ना, बहुत धोखे खाधे इन्हों को। पांच साल बाद आप उन्होंने को फिर चले, चलो ठीक हो गए हो गए शायद ना, पांच साल जो पैसे सामभ के ठीक वेले हो जाते हम होर बारी फिर आऊगी, हूँ फिर दूजे पैसे सामने चले जाते, असी सामने आइए पांच साल में साड़ी फिर आऊगी। सो इस करके तुसी जिन्ना यकीन किया, मैं तो जे हर सां तो बाद भी पंजाबियों का धन्यवाद कर लगा तो जिन्ने प्यार का करजा मेरे सिर चढ़ाया तुसी, शायद मैनू कई जन्म लेने पैणगे वो करजा उतारन वास्ते, कदे नहीं सोचा सीगा, पहले तो कलाकार बनन बारे नहीं सोचा सी, फिर राजनीति च आउण बारे नहीं सोचा सी, फिर जिहड़ा तुसी मुकाम देता उहदे बारे तो कदे भी नहीं सोचा सी। बस एको ही अरदास परमात्मा अगे दिन रात करी दी है, परमात्मा बल ते बुद्धि बख्शे असी लोगों दिया विश्वासों पर, असी लोगों दिया उम्मीदों पर पूरे उतर सकीए, साढ़े करके किसी घर का चुल्हा जिहड़ा वो बुझे ना, साढ़े करके चुल्हिया च अग बलती रहे, लोग तंदुरुस्त रहन, तरक्कियां करन, गिद्धे भंगड़े पैन। मैं यही गल जिहड़ी मैं कई बार स्टेजा पर भी कहना हूं, एक शेयर है कि भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा, जे देश अपना मुंदरी है ना उस नग जिहड़ा वो पंजाब है। पिछले कई सालों तो नग थोड़ा जिहा चमको दी फिक्की पै गई सी, पर आपां तुहाडे सहयोग नाल जिस तरीके नाल तुसीं इस इन्नी गर्मी च धुप च बैठे हो ये थोड़ा प्यार दसदा है, नहीं लीडरां वास्ते कौन बहिंदा अजकल जी, इन्ने इन्ना घट अकाली दल ने करना होवे दो तीन लख दी तां जलेबियां ही लगदियां ने, तो जिहड़ा होर समान लगता वो वो तो बाद च उहदा हिसाब किताब नहीं हुंदा कोई, तो तुसीं साने इन्ने क कहे तो साडे कोल आ जांदे हो, एदू वड्डा होर की भाल दिया सी, तो साडे कोल पैसे नहीं हैगे, साडे बैंकां च खाते नहीं हैगे, पर उन्हां कोल बहुत पैसे है, लुट्टिया होया माल है, पर जो साडे कोल है खजाना वो उन्हां कोल नहीं हैगा। मेरी दादी एक छोटी जी कहानी सुनाउंदी हुंदी सी, गुरु नानक साहब ते बाबा मरदाना जी जिस वेले उदासियां ते निकले हुए सी, घर घर जाके सच दा होका दिंदे सी, किरत करो वंड छको नाम जपो दा होका दिंदे सी, सज्जन ठग वर्गियां नूं सुधारदे फिरदे सी, तां एक पिंड दी जूह ते बैठे बाबा जी कहिंदे भाई मरदानिया रबाब छेड़ बाणी उचरीए, बाणी जदों रबाब दी आवाज़ पिंड तक पहुँची, पिंड दे लोकां नूं पता लग गया बहुत वड्डा फकीर आ गया, बई रब नाल सिद्धी लेवै, बई इहदी सतसंग कर लईए किस्मतां पलट दूगा। लोग चले गए, बाबा जी ने पुछया किधर, कहिंदे थोड़े नाल चलेंगे जी, गुरु नानक साहब कहिंदे भाई साडे रस्ते औखे ने, सच वाले रस्ते ने, थोड़े तो तुरिया नहीं जाना, कहिंदे ना जी चलांगे, कहिंदे आ जाओ, फिर तुरे गए तुरे गए तुरे गए, अगे आले दुआले चांदी दे ढेर आ गए, जिवें आ मिट्टी पई है ना ढेर, मिट्टी दे पए ने चांदी दे ढेर आ गए, जिन्हां नूं चांदी चाहीदी सी उन्होंने चांदी चक्की, कहिंदे गोली मारो सच नूं, लै कम बन गया आपां चलीए, काफला अद्धा रह गया जी। गुरु साहब ने पुछया हां भी तुसीं, कहिंदे जी असीं नहीं चांदी चुंदी वाले नाल चलांगे, गुरु साहब कहिंदे भाई रस्ते औखे आ सकते हैं, कहिंदे जा लैण दो, तुरे गए अगे सोने दे ढेर लगे पए, जिन्हां नूं सोना चाहीदा सी
ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁੜ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਬੰਦੀ ਦਾਸ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਔਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਰੇ ਗਏ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀਰੇ, ਨਾ ਮੋਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਲੋਕ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਲੋਕ। MLA ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਲੋਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਲੋਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਲੋਕ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛਾਵਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ, ਆ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰਦਾ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਸੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਲੈਸਡ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੰਗਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੰਡਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਪੈਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੋ ਨਾਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।